गाइज वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि प्रिंस और रितेश ने एलांटे मॉल चंडीगढ़ के अंडर आर्मर स्टोर से फ्लो वेलोसिटी विंड शू परचेज किया था और आपको प्रॉब्लम जब आप सीट बेल्ट लगाते हो जैसे ही प्रेशर आता है तो वो पूरे के पूरे लोड को संभाल लेता है। सेम उसी तरीके से सपोर्टिंग टेप का जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग के टाइम पे आपके पैरों का जो भी प्रेशर होता है तो ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये था इसका अपर। अब बात करते हैं हम इस शू के शू टंग की। तो शू टंग इसका नॉर्मल शू टंग से इसका शू टंग भी अलग है एंड ये एक नॉर्मल फैब्रिक नहीं है। आई थिंक ये जैसे स्वेड होता है उस टाइप का कुछ मटेरियल इन्होंने यूज किया है। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें बहुत लाइट कुशनिंग भी दे रखी है। तो जब आप इस शू को पहनेंगे तो इसका फिट बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है और ये आपके पैरों में चुभने वाला भी नहीं है। इरिटेशन फ्री आपके पैरों को रखेगा। अलॉन्ग विद दिस इसका अगर आप शू कॉलर देखें तो शू कॉलर भी इसका बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से कुशन्ड है। शू कॉलर के साथ साथ इन्होंने इंटरनल हील काउंटर दे रखा है। जब आप रनिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ फुट लैंड ये आपके हील को बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड करके रखने वाला है सो दैट आपके पैरों को स्टेबिलिटी मिले और चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ही कम हो जाए। बैक साइड में इन्होंने रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। तो रिफ्लेक्टर्स का फायदा क्या है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया रिफ्लेक्टर्स के बारे में कि जब आप अर्ली मॉर्निंग रनिंग करते हैं उस टाइम पे लो लाइट कंडीशन होती है तो जब आप आउटडोर रनिंग करेंगे तो पीछे से कोई भी कार आती है या कुछ होता है तो इस पे लाइट जैसी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करता है और आपका एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इससे। लेसिंग स्टाइल की बात करें तो इस शू का लेसिंग स्टाइल वही जो अपना स्टैंडर्ड स्टाइल होता है उसी को फॉलो किया है इन्होंने। इसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करी है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही यूनिक स्टाइल है इसका लेसिंग का। तो इट इज वेरी कॉमन। अब बात करते हैं इस शू की सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी की, वो है इसका मिडसोल। जैसा कि आप इस शू में देख सकते हैं कि इस शू में इन्होंने कोई आउटसोल नहीं दे रखा है। इसमें इन्होंने एक फुल लेंथ फ्लो रबर यूज कर लिया। फ्लो क्या है, फ्लो अंडर आर्मर का लेटेस्ट फॉर्म है जो अभी तक के अंडर आर्मर के सबसे लाइटवेट फॉर्म में आता है। इस रबर का फायदा क्या है, ये लाइटवेट है, ये ड्यूरेबल है और इसने आउटसोल को एलिमिनेट कर दिया है। आउटसोल एलिमिनेट करने से फायदा ये हुआ कि आपके शू का वेट एक इनके जनरल शू से ऑलमोस्ट 40-50 grams कम हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने शूज में से कुछ ग्राम्स करे थे और उस वेट ने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करी थी और इस शू ने तो 50 ग्राम ऑलमोस्ट रेगुलर शूज से कम कर दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये शू आपकी स्पीड को कितना ज्यादा इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो जब मैं ओवरऑल इस शू की बात करूं तो ये एक परफेक्ट लाइटवेट पैकेज है जो कि अंडर आर्मर ने आपको दिया है। इस शू में आपको स्पीड मिलती है, इस शू में आपको लेस वेट मिलता है, इस शू में आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है और इस शू में आपको बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि इस शू में आउटसोल नहीं है तो इसमें अच्छा ट्रैक्शन कैसे मिल सकता है। तो गाइज वही इस फ्लो टेक्नोलॉजी का फायदा है, इसमें बिना आउटसोल के आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं इस शू के अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस आर्टिकल के राइट शू में इन्होंने ब्लूटूथ सेंसर दे रखा है। ब्लूटूथ सेंसर के बारे में मैंने आपको, आप हमारी पिछली वीडियो अंडर आर्मर फैंटम 2 देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया था कि वो किस तरीके से मैप माई रन एप्लीकेशन जो अंडर आर्मर की है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। तो जब बात हम करते हैं शू के स्ट्रैक हाइट की तो इसका हील एरिया 26 mm का है, फोरफुट एरिया इसका 18 mm का है। तो ओवरऑल इसमें 8 mm का ऑफसेट दिया गया है, यानी कि जो जिसको हम हील टू टो ड्रॉप भी बोलते हैं तो इस शू में 8 mm का है। शू में दोनों तरीके के रनर्स के लिए सजेस्ट करूंगा, जो कैजुअल रनर्स हैं और जो हार्डकोर रनर्स हैं। हार्डकोर मीन्स जो रेगुलर रनर्स हैं, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इस शू की प्राइसिंग अंडर आर्मर ने 16,000 रखी है और ये मेन विमेन दोनों जेंडर के लिए अवेलेबल है स्टोर्स पे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस शू के कलर्स की तो इसमें मेंस में 4 कलर अवेलेबल है, ये व्हाइट कलर, देन ब्लैक है, एक नियॉन ग्रीन एंड नियॉन रेड या पीच कलर जिसको कहेंगे। तो ये 4 कलर्स मेन में अवेलेबल है और सेम जब हम बात करते हैं विमेन की तो विमेन में इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो में क्या क्या चीजें और अपडेट चाहिए और आप हमें फ्यूचर में किन प्रोडक्ट्स के साथ देखना चाहते हैं, किन प्रोडक्ट्स का डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। शो सम लव एंड शेयर अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।